एवरीवन वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, ट्रिनिटी डेविल एंड चेंसो मैन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और डेंजी वो डेविल को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। वो डेविल डेंजी को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि मेरा हार्ट यहाँ पर है ही नहीं। ये चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो डेविल डेंजी को पकड़ लिया होता है और वो डेविल के वजह से डेंजी का भी काफी हैवी ब्लड लॉस होने लगती है और डेंजी ये देखता है कि उसके चेंसो रिट्रैक्ट करने लगी है। वो डेविल भी कह रहा होता है कि अब तुम मरोगे चेंसो, लेकिन फिर भी डेंजी अब ना रुकते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो वही डेविल के ऊपर फिर से जोरदार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। डेंजी वो डेविल से कहता है कि मैं तुम्हें तब तक पेन दूंगा जब तक तुम्हारी ब्लड वाटर की तरह बह ना जाए और तुम्हारे ब्लड की टेस्ट जब तक मुझे स्ट्रॉबेरी जैम की तरह ना लगे। और डेंजी यहाँ पर वो डेविल के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर रहा होता है और तभी हमें हिमेनो को दिखाया जाता है जो कि काफी हैरान होती है। यहाँ पर वो अपनी फ्लैशबैक सीन को याद करती है। हम देखते हैं कि हिमेनो को एक आदमी जिसका नाम होता है किसी पे, वो कह रहे होते हैं कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो डेविल हंटर से डेविल नहीं डरते हैं, डेविल उससे ही डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते हैं। और यहाँ पर हिमेनो अपने साथ काम करने वाले लोगों की के आगे होती है। किसी पे बता रहे होते हैं कि सहारा अच्छी थी और सुबारू सुसाकी किनोचे भी अच्छे काम करते थे, लेकिन वो लास्ट में डेविल को डर ही गए और उनका डर ही डेविल को चाहिए था। और किसी पे वहाँ पर पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो बच्चा अक्की क्या कर रहा है, क्या उसका हालत तो अभी ठीक है ना। और हिमेनो बता रही होती कि अभी कोई भी ठीक नहीं है, हर कहीं वो गॉन डेविल को ही मारना चाहता है। वो कह रहे होते हैं कि तुम गॉन डेविल को मारने के लिए पब्लिक सेफ्टी ज्वाइन की हो क्या, अब से ही तुम थक गई हो, तुम्हारी तरह हर एक डेविल हंटर यही चाहता है वो गॉन डेविल को मारना। किसी भी मैंने उसे बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो काम करते थे वो हॉनेस्ट स्ट्रेट एंड सिंपल थे और इसी की वजह से डेविल को पता था कि आखिर उन्हें क्या डराता है। लेकिन कुछ होते हैं जो कि अजीब होते हैं, उनके बारे में हर एक चीज अनप्रेडिक्टेबल है, डेविल उनसे ही डरते हैं क्योंकि वो उन्हें समझ ही नहीं पाते। और वैसे भी तुम्हें इनकी कब्र पर हर एक मंथ विजिट करने के लिए नहीं आना चाहिए, इससे बस तुम्हारे दिमाग ही खराब होगी। और इसके बाद किसी भी जाते हुए बताते हैं कि अक्की को अभी भी बहुत कुछ है जो पता नहीं है, तुम्हें उसे ट्रेन करना होगा। कहते हैं कि अक्की भी वो पीस को ढूंढ रहा है, आज नहीं तो कल वो गॉन डेविल को ढूंढ ही लेगा। और इसके बाद हमें हिमेनो एंड अक्की को एक रेस्टोरेंट में बात करते हुए दिखाया जाता है। और हिमेनो जब अक्की से बात करती है तो उसे ये पता चलता है कि अक्की ताकतवर है लेकिन वो काइंड भी, वो सबकी तरह नॉर्मल ही है और अगर वो गॉन डेविल के साथ लड़ेगा तो वो जरूर मारा जाएगा। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेंजी वो डेविल से फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि डेंजी का ब्लड लॉस करने लगती है। फिर भी डेंजी खड़ा होता है और वो डेविल को काटने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ब्लड पीता रहूंगा और रिकवर करता रहूंगा और मैं लगातार काम करने वाला मशीन हूं और नोबेल प्राइज मेरा ही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हिमेनो जो की समझ जाती है, वो कहती है कि मुझे पता चल गया तुम ही हो जो वो गॉन डेविल को मार सकता है। और यहाँ पर वो डेविल पेन को महसूस कर पा रहा होता है। इसके बाद हमें दूसरे डेविल हंटर का सीन दिखाया जाता है और दूसरे डेविल हंटर का सिचुएशन काफी खराब हो गया होता है। हिमेनो आगे पूछती है कि क्या अक्की तुम ठीक हो, तभी अक्की पूछता है कि आखिर कितना वक्त गुजर गया। हिमेनो बताती है कि करीब 3 दिन हो गए। हमें पता चलता है कि करीब 3 दिन से फाइट हो रही होती है। यहाँ पर डेंजी वो डेविल को काटते हुए उसके कोर तक पहुंच गया होता है और यहाँ पर फाइनली डेंजी वो डेविल के हार्ट के पास होता है। डेंजी खुद से कहता है कि ये सब खत्म हो लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं किसी पूल के अंदर हूँ। और डेंजी तभी वो डेविल की हार्ट को दो हिस्से में काट देता है।